morning today we learn about the measures of central tendency arithmetic mean chapter number 9 first we'll move on the definition of measures of central value an average is a single value within the range of the data that is used to represent all of the values in the series सो so, अभी एवरेज क्या करती है हमें रिप्रेजेंट करती है सभी सीरीज की वैल्यू के बारे में किस तरह सिंस एन एवरेज इज टाइम विद इन द रेंज ऑफ डेटा इट इज़ कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू अभी हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑन एन एवरेज पर्टिकुलर डेटा क्या है अगर हम इंडिया की इनकम की बात करते हैं अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हम एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम नहीं लर्न कर सकते या नहीं जान सकते हैं तो हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप लेते हैं उसको उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू सेकेंड डेफिनेशन एंड एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रजेंट द अब एवरेज क्या करती है हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बता देते हैं फॉर एग्जाम्पल हम आपकी क्लास की बात करते हैं पर्सेंटेज़ की बात करते हैं हर एक पर्सन की हर एक स्टूडेंट की अपनी एक परसेंटेज होती है तो उस परसेंटेज से हम क्या जज करेंगे कि वो पढ़ाई में किस तरह का है पर्पज एंड फंक्शन ऑफ़ एवरेज एवरेज हम क्यों कैलकुलेट करते हैं क्या इसका फंक्शन होता है फर्स्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो कहाँ हमें पूरा डेटा स्टडी करना पड़ेगा अगर आपके मार्क्स की ही बात करते हैं कहाँ हमें आपके सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखने पड़ेंगे कहाँ हमारे पास एक एग्रीगेट वैल्यू आ जाएगी वहाँ से हम जान लेंगे कि आप पढ़ने में कैसे हैं द मेन पर्पज ऑफ एन एवरेज इज़ टू प्रेजेंट अ सिंपल एंड सिस्टेमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ़ द प्रिंसिपल फीचर ऑफ़ द रॉ डेटा तो मेन पर्पज़ एवरेज का क्या होता है हमें एक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि वो रॉ डेटा किस तरह का है वो डेटा किस तरह का है जैसे कि अगर हम इनकम सोर्स की बात करते हैं पूरे इंडिया की एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट डेटा कैन भी ईजिली अंडरस्टोड तो एवरेज के साथ हमें क्या होगा डेटा बहुत जल्दी से बहुत आसानी से हमें समझ आ जाएगा कंपेरिजन एवरेज हेल्प्स इन मेकिंग कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा अगर हम बात करते हैं हमें आपकी क्लास में से पोजीशंस निकालनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें कैलकुलेट करने हैं तो एवरेज के साथ क्या होगा हमें बहुत इजीली डेटा मिल जाएगा हम बहुत अच्छे से कंपैट उन सबको कंपेयर कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल अ कंपेरिजन ऑफ द पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया एंड यू एस ए शोज दैट पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया इज मच लेस दैन द पर कैपिटल इनकम ऑफ यू एस ए अगर हम इनकम की बात करते हैं तो हम एवरेज से कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की इनकम और कंपेरिजन भी कर लेते हैं कि किसका इनकम सोर्स ज़्यादा है थर्ड इज़ फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसीज़ एवरेज इज हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया पर कैपिटल इनकम इज 31 80, uh, I'm sorry 31801 per annum which is much less than many countries in the world

fourth statistical analysis average constitute the basic of statistics analysis फॉर एग्ज़ाम्पल इफ वन नोज द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ द क्लास इन डिफरेंट सब्जेक्ट वन कैन ईजिली एनालिसिज द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट आ वीक तो स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस मीन्स हम ये देख सकते हैं कि किसी जगह अगर हमारे मार्क्स या हमारी इनकम कम है तो हम ये जान सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे मार्क्स या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स क्यों कम आए और उस पर हम वो कौन कर सकते हैं वन वैल्यू फॉर ऑल

स्टडी करने की जगह हमें हमारे पास क्या है एक वैल्यू है हमें एक वैल्यू मिल जाती है तो उस वैल्यू पर हम आगे अपनी पॉलिसीज़ या साइंटिफिक रिसर्चेस कर सकते हैं थर्ड असेंशियल्स ऑफ गुड एवरेज एवरेज कैलकुलेट करने का हमें क्या फ़ायदा होगा क्यों ये इम्पोर्टेंट है फर्स्ट क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन अ गुड एंड अ सेटिसफैक्ट्री एवरेज शुड बी क्लियर एंड स्टेबल इन डेफिनेशन हमें प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पर्टिकुलर डेटा के बारे में रिप्रेजेंटेशन एंड एवरेज वैल्यू शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर मास ऑफ द डेटा इट शुड बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज तो हम एवरेज हमें क्या बताती है पूरे मास ऑफ दी डेटा के बारे में बताती है एंड ये एक प्रॉपर रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है सिंपलिसिटी इट इज़ अनदर असेंशियल फीचर ऑफ गुड एवरेज मस्ट टू बी सिंपल इट इज़ इजिल वर्कड ऑन सो दिस इज़ वेरी इजी टू कैल्कुलेट एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्टडी सो देर विल बी नो प्रॉब्लम वाइल कैलकुलेटिंग एंड स्टडिंग द एवरेज वैल्यू fourth is certainty a good average must be certain and correct only then an average value can be used as the basis of the statistical analysis so we have heard about two words certain and uncertain uncertain means so certain means आई थिंक विच वी आर शोर अबाउट सो जितने भी हमारे स्टेटिसिकल डेटा होने चाहिए वो एक शॉ ऑब्जर्वेशन पे होने चाहिए कुछ एजाम्शन हमारे ऐसे ही नहीं होने चाहिए अगर हम एज्यूम भी कर रहे हैं वो भी एक ऑब्जर्वड एक रिसर्च वैल्यू पे बेस्ड होने चाहिए फिफ्थ इज एब्सोल्यूट वैल्यू अ गुड एवरेज शुड बी एन एब्सोल्यूट नंबू अ परसेंटेज और अ रिलेटिव वैल्यू डज नाट सर्व एज गुड एवरेज तो गुड एवरेज हमारी क्या होनी चाहिए एप्सोल्यूट नंबर में होनी चाहिए एप्सोल्यूट नंबर मीन्स जैसे वन टू थ्री मतलब हमारा पॉइंट्स में या परसेंटेज में नंबर नहीं होना चाहिए सो एप्सोल्यूट नंबर मीन्स अ सिंगल नंबर सिंगल डजन मीन ओनली वन बट इट कैन बी हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू नो डेसिमल शुड बी यूज दियर लीस्ट इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इन द सैम्पल एन एवरेज ऑफ सीरीज शुड बी लीस्ट इफेक्टेड बाय अ चेंज इन द दैम्पल ऑन विच द एवरेज इज बेस्ड सो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी एवरेज बेस्ड है वो है हमारा डेटा फॉर एग्जाम्पल हम हम आपके मार्क्स की बात करते हैं आपके इंग्लिश के एग्जाम में मार्क्स थोड़े इंक्रीज़ हो गए तो अगर आपने डेटा चेंज किया है पुराना वाला जो एवरेज है अगर आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाई हैं तो वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नहीं तो हमारा जितना भी सैम्पलिंग हो जाएगी वो खराब हो जाएगी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अ गुड एवरेज शुड बी अ केपेबल ऑफ फोदर मैथमेटिक और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट आगे उस डेटा को हम किसी और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकें फोर्थ इज़ टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिकल एवरेजेस फर्स्ट इज mathematic average and second is positional average under mathematic average we are having arithmetic mean geometric mean and harmony mean we'll do later on and another is positional average and under positional average we'll do median and mode

वो क्या होगा मीन होगा फॉर एग्जाम्पल राम प्लेज फाइव मैचेस श्याम सिक्स मोहन सेवन कृष्ण एट एंड रवि नाइन तो ये फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये क्या है हमारे पास सीरीज़ है तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टोटल वैल्यू ऑफ़ आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ आइटम अभी टोटल हमारे पास क्या होगा जितना भी हमारे पास सीरीज़ होगा हम सबको उसके साथ में एडिशन कर देंगे एक दूसरे के साथ में लाइक फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन तो ये क्या बन जाएगा हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं ठीक है नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने नंबर्स है? हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फाइव है तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स तो वो जो आंसर होगा हमारा वो आ जाएगा सेवन नाउ लेट्स लर्न की अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास किस तरह की सीरीज होनी चाहिए वी शूड हैव थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज़ सेकेंड इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड इज़ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन

इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस तो हर एक सीरीज में जितने भी नंबर्स होंगे उनकी एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस होगी सो इस टाइम अभी हम करने वाले हैं सिंपल अरेथमैटिक मीन सो फॉर दिस वी नीड टू नो अबाउट दिस सीरीज सो इन सिंपल अरेथमैटिक मीन वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज सेकेंड इज डिस्क्रीट सीरीज थर्ड इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सो लेट मी टेल यू वट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़ इंडिविजुअल सीरीज़ मीन्स जहाँ हमारे पास सिंगल वेरिएबल्स दिए जाते हैं जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था दिस इज दिस थिंग इज़ कॉल्ड सिंगल इंडिविजुअल सीरीज़ दिस थिंग ठीक है हमारे पास सिर्फ एक सिंगल सीरीज़ है हमारे पास कोई और वेरिएबल नहीं है दिस इज़ कॉल्ड एक्स वेरिएबल सो हेयर वी आर कैल्कुलेटिंग दिस सिंपल एरेथमैटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज मीन्स हमारे पास सिंगर वेरिएबल है जैसे कि ए की एक ही बस ए की लाइन दी होगी या कॉमर्स डाल के कुछ नंबर्स बताए होंगे सो टू कैलकुलेट दिस थिंग वी आर हैविंग टू मैथड फर्स्ट इज डायरेक्ट मैथड एंड सेकेंड इज शॉर्टकट मैथड सो वॉट इज डायरेक्ट मैथड फर्स्ट लर्न अबाउट द साइंस हेयर यू कैन सी दिस दिस थिंग इज कॉल्ड मीन फाइन इस साइन को क्या बोलते हैं मीन बोलते हैं नॉर्मली हम इस साइन को एक जस्ट अ सेकेंड नॉर्मली हम इस इस साइन को ई e बोलते हैं दिस साइन बट इसे हम क्या बोलेंगे सबमिशन सबमिशन मीन्स टोटल सो फॉर डायरेक्ट मेथड जो हमने ऊपर एग्जाम्पल की थी वो डायरेक्ट मेथड मेथड ही था सो फॉर डायरेक्ट मेथड वी नीड टू लर्न अबाउट दी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो हम करेंगे कैलकुलेट एंड अनदर इज नंबर ऑफ आइटम्स सो हेयर वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल पॉकेट अलाउंस ऑफ टेन स्टूडेंट्स इज रुपीज़ फ़िफ्टीन ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव एटीन फोटी एंड फिफ्टी तो यहाँ ये बता रहे हैं कि टेन स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी कितनी है फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव एटीन फोर्टी एंड फिफ्टी फिफ्टी फाइव एंड सिक्सटी फाइव अब हमें इनका एवरेज निकालना है हाउ विल कैलकुलेट द एवरेज बाई द डायरेक्ट मैथड सी वट वी डिड वी एडिड द होल थिंग फिफ्टीन को ट्वेंटी से एड किया ट्वेंटी प्लस थर्टी प्लस थर्टी टू प्लस थर्टी ट्वेंटी फाइव प्लस एटीन प्लस फोर्टी प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी फाइव प्लस सिक्सटी फाइव तो हमारा टोटल क्या आ गया समीशन क्या आया हमारा दिस थिंग दिस होल सीरीज इज़ कॉल्ड दिस होल सीरीज इज़ कॉल्ड द इंडिविजुअल सीरीज़ ठीक है सो वी यूजली इट एज दमिशन एक्स ठीक है ये अकेली सीरीज़ को हम एक्स ही बोलते हैं सो so, इस सीरीज़ का टोटल क्या आया थ्री फोर्टी ठीक है अगर हम काउंट करते हैं तो ये नंबर्स कितने हैं टेन तो व्हाट वी डेड टू कैलकुलेट दी डायरेक्ट मीन व्हाट वी डेड वी डिवाइडेड दी टोटल नंबर बाय दी नंबर सो टोटल हमारा क्या आया था थ्री फोर्टी एंड नंबर्स कितने हैं टेन सो थ्री फोर्टी बाय बाई टेन इज़ इक्वल्स टू थर्टी फोर दिस इज़ आर आंसर